हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर चैप्टर पॉलीनोमियल। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। बच्चों जैसे देखो, ये कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में सुना होगा। एक्चुअली ये एक फॉर्मूला इसके लिए होता है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। आप पहले दो फार्मूला यहाँ यूज करना होगा। पहले तो आप इसका फार्मूला याद कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक और फार्मूला लागू कर लो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका भी यूज होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चों हम लोग ना इन्हीं दो फार्मूला का यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे जो कि है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ना हम यही लेख चलते हैं, सिंस वी नो दैट, इसका भी बात होगा, सिंस वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू होता है इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब करना क्या है बच्चों, जो जो वैल्यू पता है आप पुट कर दो। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, ये तो हमारा अननोन है। नाउ इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इट गिव्स 6 इंटू और सेकेंड ब्रैकेट में ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें कोई चेंज मत करो। एक काम करो, ए बी बी सी सी ए माइनस के साथ है, अब माइनस कॉमन लेकर पैसे ले सकते हो, इसीलिए ना हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बनाया था। अब वैल्यू पुट करो, ये 6 इंटू ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू 11 है बच्चा। चलो और ये किसके लिए सॉल्व किया, भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। बच्चों तुम देखो, अगर कहीं से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू मिल जाती, पुट करते हमारा आंसर आ जाता, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी वैल्यू आ जाता। अभी नहीं आएगा, इसको कुछ देर के लिए वन मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। नाउ सिंस दिया है ए प्लस, इसको ले चलो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ये गिवन पार्ट है। अब करना क्या, यहां से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, स्क्वायर करो दोनों तरफ, ऑन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी है, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूं दिस इंप्लाइज लगाते हुए। यहां से ना बच्चों क्या मिलेगा, यहां से एक्चुअली हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू जो ही मिलेगा मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब बताओ, इसका भी तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि आपको दोनों तरफ होल स्क्वायर करने होते हैं। बताइए इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, सबको पता है। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अननोन है, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू है 11, ये 36 है। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू होगा 36 माइनस 22, क्योंकि 11 इंटू 2 22 होता है। अब सबट्रैक्ट करो, 6 में से 2 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, 14 आएगा इसकी वैल्यू, इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। अब क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है उसको फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। चलिए गो फ्रॉम फर्स्ट, दो लाइन में रेस कर दे रहा, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट बेटा क्या हो जाएगा, ए क्यू, पहले इतना लिख लो, पहले ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटा क्या 14 है, अब माइनस 11 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, 14 माइनस 11 क्या आएगा 3, 6 इंटू 3 जो कि 18 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इज 18, यही हमारा क्या बेटा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब इस तरह से हम कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं, सेम बस डेटा चेंज होगा, आइए देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, कह रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 83 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। जैसे
जैसा कि बच्चों को पता है कि जिसकी वैल्यू हमें निकाल ली हम उसी को पहले लिख चलते हैं। तो सिंस वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, इसका क्या होता है फॉर्मूला, यहां लिख लो। सबको पता है क्या लिखा मैंने, इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इंटू सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलो अब जो जो वैल्यू पता भर दो, जैसे कि हमें क्या पता है ए प्लस बी प्लस सी को 15 है, क्या 15 रखो इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 83 है, यहाँ 83 हो जाएगा। अब माइनस ब्रैकेट में क्या है इसकी वैल्यू नहीं पता है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये किसके लिए लिखा जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, इसी को फर्स्ट मान लो। या फर्स्ट मानने से पहले कुछ एक काम और कर सकते हो, तुम बताते हैं इसको स्क्वायर बॉक्स में रखो, स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस वाले तीनों काम ले लो, बस ऐसे लिखने का प्रयास करिए आप, ठीक है, क्योंकि हमें ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक वैल्यू मिलने वाली है माइनस थ्री ए बी और ये सी होगा, इसको उल्टा लगा दो, ये फर्स्ट मान लिया। बेटा अब हमें ये वैल्यू कहां से मिलेगा और सोचो, देखो आप यह यही लिख चलो, क्योंकि जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर करते हो तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो वही है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी, उसी पर मिलता है। लिखो सिंस गिवन दैट है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 50, ये कैसे जाना ये गिवन दैट है, चाहो तो बगल में लिखना गिवन। अब स्क्वायरिंग नंबर सेट करो तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इधर भी आपको करना पड़ेगा होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा होल स्क्वायर करोगे तभी तुमको फायदा मिलने वाला, ठीक है। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, और 15 का होल स्क्वायर 225 होता है। जैसा कि आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू है 83 या 83 रख दो, प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए हो जाएगा, इसको 225। बेटा काम करो टू टाइम्स इसको मैं ऊपर की लाइन अरेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू होगा क्या होगा 225 माइनस 83, सब्ट्रैक्ट करो पहले, देखो 5 में से 3 जाएगा 2, 12 में से 8 जाएगा 4 और 1, 142 आएगा। इसकी वैल्यू है ये 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, दो से डिवाइड करोगे, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ क्योंकि तो टू नीचे जाएगा तो डिवाइड करेगा तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए इसकी जो वैल्यू होगी ना 71 आएगा। अब क्या करो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो क्या है 71 है, इसकी वैल्यू 1 में रख दो, चलिए तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट आपको तो अलग से लिखना होगा, मैं तो इसी पर एडजस्ट कर दे रहा हूँ, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 71 लिखेंगे, ठीक है, बाकी मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ। 9 3 12 देखो बेटा ये 12 आएगा, सबट्रैक्ट करोगे तो ना चेक कर लो, ठीक है 15 180 आएगा, 15 2 12 मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आएगा 180, यही हमारा क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 ए एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 38 एंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू है 160 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो बच्चों हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखो दो चीज दिया है, तीन वैल्यू दी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 38 दी है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी की वैल्यू 160 दी हुई है, पर इसको लेकर चलते हैं। सिंस गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, अब क्या करो दोनों तरफ ना स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग नंबर सेट करने से फायदा क्या होगा ये देखो, वहां से हमें ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल मिल जाएगा। चलो स्क्वायरिंग करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ना 2 टाइम्स ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी ए, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। जैसा कि बच्चों आपको पता है ना ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 10 है, तो उत्तर रखा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 38 है, यहाँ रखो 38 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये भी अननोन है इक्वल टू 100 है। बेटा एक काम करो 38 को ट्रांसफर करिए
टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 100 माइनस 38 सब्ट्रैक्ट करो इसको 62 आएगा क्या? तो ये किसके बराबर है? 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बेटा दो सब डिवाइड करो, ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू आएगा 31 आ जाएगा। तू चेक करना 62 अपॉन 2 जो है 31 होता है। अब देखो अब हमें करना क्या है, हमें ना एबीसी निकालना है। देखो एबीसी ना कहाँ आता है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मान चलिए एबीसी के फॉर्मूले में एबीसी आ रहा है। तो सीन्स पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये आता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब जिसकी जिसकी वैल्यू पता है बेटा भर दो। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 160 है माइनस 3 टाइम्स ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बेटा ए प्लस बी प्लस सी को 10 है इंटू 10 है ध्यान दीजिएगा इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू 38 है माइनस ए बी बी सी सी ए। बेटा माइनस साथ है ना, इसको ऐसे लिखते हैं ए बी माइनस कॉमन लेकर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब वैल्यू रखो देखो 38 बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जान तो क्या है, ये वैल्यू निकाले थे 31 है। बताओ ये आएगा 7 ना, 10 इंटू 7 70 होता है और यहाँ पे क्या है बेटा 160 माइनस 3 ए बी सी है तो 160 माइनस 3 इंटू ए बी सी इट गिव 70 अर्थात 160 माइनस 70 इक्वल टू होगा प्लस ऑफ 3 ए बी सी सब्ट्रैक्ट करो इट गिव्स 90 इक्वल टू 3 ए बी सी। सो ए बी सी इक्वल टू होगा बेटा 90 बाई 3 90 अपॉन 3 तो इसका सोल्यूशन आएगा 30। तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या है 30 यही हमारे के बेटा आंसर है। ठीक है बहुत ही आसान है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो कि पुराने क्वेश्चन की तरह है बट डेटा चेंज किए हैं। जरा इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 74 हो एंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 434 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो जैसा कि बच्चों कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इट इज गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 इसी को लेकर चलते हैं स्क्वायर में बहुत सेट करते हैं और नहीं तो एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी वहां से भी लेकर चलते हैं। चलिए देखते हैं गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है बेटा 14 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा ये 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटा देखो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी तो देखो बेटा तुम कर सकते हो ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी का रिलेटिव वैल्यू पता ही है हमें। ठीक है यहीं से स्टार्ट करते हैं सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए और 14 का होल स्क्वायर 196 होता है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या 74 है प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं पता है इसकी वैल्यू हमें अननोन है पर यही निकाल लेते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा ना बेटा, इससे फायदा ये होगा ना जब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमें तुरंत ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब देखो यहां से क्या होगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 196 और माइनस 74 हो जाएगा। जरा सब्ट्रैक्ट करिए 6 में से 4 गया 2 9 में 7 गया 2 122 आएगा और ये 2 टाइम्स होगा किसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये आएगा 61 आएगा चेक कर लेना। बेटा हो सकता है इससे पहले जो क्वेश्चन लगा रहे थे तो स्टेप टाइप चेंज हो इट मे बी हैपन कोई दिक्कत नहीं है। मैनिपुलेशन टेक्निक क्या है आप सीख सकते हो ठीक है ना, कि हमने यहाँ से क्या किया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया है इधर इधर। अब तुम कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी बोले ऑलरेडी 14 है तो रख दे तो 14 और इक्वल टू 14 लिखने का क्या मतलब है ठीक है ना। चलो किया गया अब हम क्या करें, अब हम वो फार्मूला यूज करें जिसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आता हो। जब आप प्रैक्टिस करो खुद आपको पता चल जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमारा मेन क्या है ऑब्जेक्टिव ये है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी ठीक है। देखो ए बी सी वाला टर्म कहाँ आता है, इसी फार्मूले में आता है जिसमें ए बी सी का जिक्र है। सिंस वी नो दैट फार्मूला ये ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस सी क्यू माइनस थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब इसके लिए फॉर्म पर लिख देते हैं और क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ओके बेटा ये ध्यान दो ये है सी ए। चलो इम्प्लाइज दैट सबके बिल पता है क्या 434 है ये माइनस थ्री ए बी सी ये कानून है ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या 14 है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू 74 है माइनस। एक काम करो पहले माइनस तीनों काम ले लो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब वैल्यू रखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी जो कि 61 निकाले थे ना तो देखो रखो पहले 61 हो जाएगा और सिंप्लीफाई करो 74 माइनस 61 4 में से बन जाएगा 3 और 7 में से जाएगा 1 13 होगा। तो चलो 14 टू 30 मल्टीप्लाई करो 182 आएगा 30 इंटू 40 करोगे देखो 30 इंटू 40 करने पर 182 आएगा चेक कर लीजिएगा आप लोग। सो 3ABC इक्वल टू क्या होगा इसको इधर लाओ प्लस 3ABC होगा इसको इधर लाओ तो माइनस अपॉन 82 हो जाएगा। आप सिंपल मैनिपुलेशन आप लोग कर सकते हो 3 टाइम्स ABC 4 में से 2 गया 2 13 में से 8 गया 5 3 में से 2 अब 3 से डिविजिबल है ये 84 आएगा बेटा। देखो ये मैनिपुलेशन थोड़ा आसान है इसलिए मैं ज्यादा इसको फोकस नहीं कर रहा हूँ इट इज वेरी इजी ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ एबीसी इज 84 है आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो आप प्रैक्टिस करो खुद पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो गिवन दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू माइनस 1 एंड ए बी सी इक्वल टू माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखो बच्चों पहले तो गिवन वाला पार्ट लिख चले हैं। देखो दिया है गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 इट इज गिवन दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो जैसा कि आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए पहले फॉर्मूला लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए और 1 का स्क्वायर 1 होता है जिसकी वैल्यू पता है भर दो पहले इसकी वैल्यू अनोन है नहीं पता है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू माइनस 1 है 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा माइनस 2 इक्वल टू 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 होता है यहाँ 1 है अब ट्रांसफर करो इसको माइनस 2 को आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा ये माइनस 2 प्लस 1 3 होता है। चलो इसकी जरूरत पड़ेगी हमको अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए उसके लिए क्या करो आप फार्मूला लिखो किसके लिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी ठीक है। सिंस वी नो दैट हम जानते हैं पहले फार्मूला लिख रहे हैं वी नो दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी क्या होता है फार्मूला 1 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी और सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वैल्यू पुट करो जो पता है ये अनोन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी वैल्यू पता है हमें 3 माइनस 3 है ए बी सी वैल्यू पता है माइनस 1 है फिर माइनस 3 टू माइनस 1 हो जाएगा नाउ ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू भी 1 है इन टू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू 3 निकाले हैं बेटा माइनस आप ए बी बी सी सी है ना तो माइनस कॉमन ही कैसे लिखो पहले हम एक काम दो कर रहे हैं एक ही साथ दो काम कर रहे हैं कॉमन भी ले रहे हैं जो वैल्यू मिल उसको रख रहे हैं। चलिए अब जो जो आता है रखते जाइए और सिंप्लीफाई करते जाइए ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 होता है 1 इंटू समथिंग 1 ही मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 3 माइनस क्या देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इसकी वैल्यू क्या है माइनस 1 है तो माइनस 1 ऐसे लिखोगे ना ठीक बताओ 1 कहाँ चला जाए 1 से मल्टीप्लाई कर ये रहेगा ये 4 हो जाएगा ना और किसकी वैल्यू ये ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू इक्वल प्लस 3 इक्वल टू 4 है यहाँ भी लिखो मन गए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 सो दिस इंप्लाइज ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा यही हमारा क्या बच्चों यही हमारा वैल्यू है ठीक है ना।
जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी व्हेन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। बेटा हमें ना इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि दिया है यदि ए बराबर क्या हो बी प्लस सी हो। व्हेन मतलब है इट इज गिवन पार्ट, ठीक है ना। जब a बराबर b प्लस सी हो तो उस केस में हमें ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले ना जो गिवन वैल्यू है देख लो, गिवन दैट बहुत आसान है, गिवन दैट a इक्वल टू है b प्लस सी। अब करना क्या बेटा, क्यूबिक ऑन बोथ साइड दोनों तरफ क्यूब लेने पे, यानी इसका भी होल क्यूब करो और इसका भी होल क्यूब करो, क्योंकि हमें पता है जो प्रूफ करना है उसमें क्यूब आ रहा है तो क्यूब ही लेना पड़ेगा। अब एक काम करो, बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्री टाइम बी सी इंटू बी प्लस सी। जैसा कि आपको पता है बी प्लस सी इक्वल ए है, पुट करो ए क्यू इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्री बी सी इंटू इसकी वैल्यू ए है बच्चों बी प्लस सी। इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखो, ए क्यू इक्वल टू है बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्री बी सी इंटू ए थ्री बी सी हो जाएगा। अब एक काम करो सबको इधर ट्रांसफर कर दो, इट गिव्स ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। राइट हैंड साइड वाला टर्म सब इधर ला रहे तो निगेटिव हो जाएगा ना, और ये बराबर क्या आएगा जीरो, अर्थात इसकी जो वैल्यू आने वाली है जीरो आएगी, यही हमारा फंक्शन है, ठीक है जीरो आंसर आएगा। देखो बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 180 एक्स वाई माइनस 64 व्हेन 3 इक्वल टू 5 वाई प्लस 4। देखो बच्चों इस लंबे चौड़े एक्सप्रेशन को देख के आप घबराइए गमत, ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि हमारे पास जो गिवन दैट है गिवन दैट में से यही है 3x बराबर 5 वाई प्लस 4। करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है दोनों तरफ क्यूब ले लेना है, और जब क्यूब लेकर के राइट हैंड साइड को जब एक्सपेंड करोगे और सबको ट्रांसफर करके लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो देखो इसकी वैल्यू मिल चुकी होगी। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखो पहले गिवन दैट बेटा इवेंट के बाद जो टर्म वो गिवन है, यानी जब ये वैल्यू दिया है तब इसका वैल्यू ज्ञात करो। गिवन दैट क्या दिया बेटा 3x इक्वल टू है 5y प्लस 4, ठीक है। अब एक काम करो, तुम पहले चाहो तो काम कर सकते हो कि इस वेरिएबल के तरफ रखो 3x माइनस 5y एक तरफ रखो और यहाँ स्कोर कर दो, इससे थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन होगा, क्योंकि देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें कहीं ना कहीं 64 भी आ रहा है, मतलब जिसकी वैल्यू निकाले 64 तभी आएगा जब 4 का क्यूब करोगे। चलो अब दोनों तरफ क्यूब करो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इससे पहले तो हमने ट्रांसफर किए थे ना, तो आप सिंपली बिना ट्रांसफर किए भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह से करने बहुत आसान होगा। बताओ बेटा अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, पहले मैं टेम्पलेट बना दूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और a माइनस बी, और यहाँ 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है ना, 4 इंटू 4 देखो यहाँ 3x होगा, यहाँ 5y फिल करोगे, यहाँ 3x फिल करोगे, यहाँ 5y फिल करोगे, यहाँ 3x माइनस 5y फिल करोगे। चलो भाई सिंप्लीफाई करो, 3 का क्यूब 27 एक्स क्यूब, देखो मैच कर रहा है कि नहीं, 5 का क्यूब 125 होता है, ये वाई क्यूब हो जाएगा। देखो 3 जा 9, 9 5 जा 45 माइनस 45 एक्स वाई होगा, और जैसा कि आपको पता है 3x माइनस 4y की वैल्यू क्या है यहाँ से, देखो बेटा 4 होगा, या 4 रख देना इक्वल टू 64 रख देना। चलो और अच्छे से मल्टीप्लाई करो, 27 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब मल्टीप्लाई करिए, 4 5 का 20 कैरी दो, 4 4 का 16 to 80 180xy हो जाएगा, और 64 इधर ट्रांसफर कर दो एक साथ बराबर जीरो, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगा बेटा जीरो, ये 180 है, ध्यान से अच्छे से लिख दो, ये मेरा सोल्यूशन है, देख लो बहुत ही आसान है। अच्छा मान लो बच्चों अगर मैं 5y को ट्रांसफर नहीं करता, बिना ट्रांसफर के क्यूब करता तो क्या फर्क पड़ता, चलो जरा इसको भी देख लो क्या क्या हमारा आंसर चेंज आ रहा क्या, आइए देखते हैं दोनों तरफ क्यूब करते हैं, अभी से समझ में आएगा, यहाँ भी दोनों तरफ क्यूब करेंगे, चेक कर लेते हैं चेक करने क्या जा रहा है। आइए ये बेटा इस तरह से 27 एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ से समझो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, चलो वैल्यू पुट करो, यहाँ 5y पुट करोगे, यहाँ 4 पुट करोगे, यहाँ 5y पुट करोगे, यहाँ 4, यहाँ 5y प्लस 4, टेम्पलेट पहले बना लो, ये तो 27 एक्स क्यूब होगा, ये सॉरी 125 होता है, 125 वाई क्यूब होगा,
ये 64 होगा, 3 5 15 15 4 60 60 वाई होगा। अब बेटा 5y+4 को हम 3x लिख सकते हैं, और अच्छे से मल्टीप्लाई करो, 27x³ = 125y³ + 64 + 180xy। बेटा 60y को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 180xy। अब सबको ट्रांसफर करो, सबको ट्रांसफर करो, तो 27x³ - 125y³ + माइनस होगा, सब इधर माइनस हो जाएगा ना, -64 और -180xy = 0। देखो यही है क्या, बिल्कुल वही है, क्या करना है, -180 इधर लिखो, 62 ट्रांसफर कर दो, या ऐसे लिख दो, मान दे दो, प्रूफ हो गया, तो सही है, ठीक है, यही हमारा क्या सोल्यूशन है, ठीक है, 0 इसका आंसर आएगा। देखो इंटरचेंजिंग कर दो, 180 - x / -64 = 0। जो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - 8y³ - z³ - 6xyz व्हेन x = 2y+z। लिखते हैं, गिवन दैट लिख चलते हैं, गिवन दैट x = 2y+z। अब हम चाहे तो 2y को ट्रांसफर कर दें, या चाहे तो z को इधर ट्रांसफर कर दो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तब क्यूब लो, आपके पास कई ऑप्शन है, या बिना ट्रांसफर किए भी आप क्यूब ले सकते हो। चलो तो बिना ट्रांसफर किए कर दे रहे हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब लगाओ, यहाँ भी क्यूब लगाओ और यहाँ भी क्यूब लगाओ, ये तो एक्स क्यूब रहेगा। बेटा इसका टेम्पलेट बनाते हैं, a³ + b³ + 3 times ab × a+b, जहाँ a की जगह पे 2y पुट करना, b आपका z है, a 2y है, b z है, और ये 2y+z हो जाएगा। चलो x³ = 2³ = 8 होता, y³ = y³ हो जाएगा, ये z³ हो जाएगा, ये 6yz हो जाएगा। अब बेटा देखो 2y+z जानते हो क्या x है, तो this implies that x³ = 8y³ + z³ + 6xyz। सबको इधर ट्रांसफर कर लो, तो क्या आ रहा है, x³ - 8y³ - z³। बेटा इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस था, जब इधर आएगा बराबर किस तरफ आएगा, तब माइनस हो जाता है साइन, ये -6xyz, इसकी वैल्यू क्या है, 0। तुम देख रहे हो ना, आपके जितने भी 3 सवाल लगाए इससे रिलेटेड, इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन, सबका सोल्यूशन 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है x बराबर है a ऑफ b माइनस c, y इक्वल टू दिया है b ऑफ c माइनस a, एंड z इक्वल टू दिया है c ऑफ a माइनस b, देन यू हैव टू प्रूव दैट x / a होल क्यूब + y / b होल क्यूब + z / c होल क्यूब इक्वल टू r लाना है 3xyz/abc। बेटा देखो इसको कैसे लगाते हैं, इसको लगाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा एक फार्मूला बता दूं। हमने पढ़ा था यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उस केस में आपने पढ़ा होगा कि a³ + b³ + c³ = 3 times abc। शायद ये फार्मूला आपको याद हो गया हो, क्या बताया था, अगर सम ऑफ a प्लस ए बी सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होती होता है a³ + b³ + c³ = 3 abc। बेटा आप यही फार्मूला यूज करेंगे, देखो कैसे, सबसे पहले हम गिवन दैट लिख चलते हैं। देखो दिया है x बराबर है a ऑफ b माइनस c, यहां से जरा सोचो x बाई a की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो प्रूफ कर रहा हूं उसमें x बाई a आ रहा है, ये होगा b माइनस c। ऐसे ही y बराबर दिया है b ऑफ c माइनस c, इसका ये मतलब है y बाई b क्या है जी, c माइनस c। और ऐसे ही बेटा z बराबर दिया है, ये सब गिवन दैट है, c ऑफ a माइनस b, तो z बाई c क्या है बच्चों, a माइनस b। अब ये काम करो, अब हम क्या कर रहे हैं ना, सबको जोड़ रहे हैं x बाई a प्लस y बाई b और प्लस z बाई c, क्यों जोड़ेंगे हम बता दे रहे अभी को। देखो जब तुम जोड़ोगे ना x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c, तो देखो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्यों कैसे, यानी इसकी वैल्यू है b माइनस c, x बाई a की वैल्यू है b माइनस c, y बाई b की वैल्यू है c माइनस c, और z बाई c की वैल्यू है a माइनस b। बेटा जरा ब्रैकेट को जब तुम ओपन करोगे ना, तो देखो प्लस बी माइनस बी से कैंसिल होगा, माइनस सी प्लस सी से कैंसिल होगा, और माइनस सी प्लस सी से कैंसिल होगा, तो उस केस में तुम कहोगे 0 है। चलो ब्रैकेट ओपन करके हम दिखा दे रहे हैं, यानी बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 0 किसके लिए है, ध्यान से देखना, ये 0 इसके लिए नहीं बल्कि x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी, इसके लिए 0 है। अब देखो ध्यान से, और हमने पढ़ा था
बेटा ध्यान दो, अब जहाँ हमारे लिए x जो है x by a है, y जो है y by b की तरह, z जो है z by c की तरह, इसका ये मतलब है कि x by a का होल क्यूब प्लस y by b का होल क्यूब, अब इसके लिए मैं फार्मूला सेट कर रहा हूँ, z by c का होल क्यूब इक्वल टू होता है 3 टाइम्स, हाँ, क्योंकि हम जानते हैं अगर इन तीनों का सम जीरो हो तो उसके इसमें प्रत्येक जो वेरिएबल का क्यूब का सम होगा वो 3 टाइम्स क्या होगा, x by a इंटू वाई बाई बी इंटू जेड बाई सी, जो वाई है ध्यान दीजिएगा, इसको और सिस्टमेटिक तरीके से लिख लो, थ्री आप एक्स वाई जेड और नीचे होगा ए बी सी, सर ये प्रूफ करना देख लो आप, प्रूफ जेड एक्स वाई ए होल क्यूब प्लस वाई बाई बी होल क्यूब प्लस जेड बाई सी होल क्यूब इसको लाना है 3xyz अपॉन ए बी सी, ठीक है, नीचे लिख देना है प्रूफ, यही सिद्ध करना था, ठीक है बेटा, तो बहुत आसान है, बस देखो कैसे प्रूफ किया मैंने।